देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बिजी के अंदर किस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन किया जाता है। आज जो मैं आप लोगों के वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली जो वीडियो है वो एक डिपार्टमेंट स्टोर की वीडियो है। अगर हम एक डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर काम करते हैं तो हमें उस समय क्या क्या कन्फिगेशन करनी चाहिए और किस तरीके से हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर को मेंटेन करेंगे। देखिए मेरे पास एक डाटा है जो मैंने फेक डाटा बनाया, जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक डिपार्टमेंट का ऑलरेडी डाटा बना हुआ है। ये डाटा कुछ इस तरीके का है, मैंने बनाया है। इसमें सिंपल कंपनी फॉर द डिपार्टमेंट स्टोर के नाम से कंपनी क्रिएट की। सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू करवाया था। देखिए मेरे पास यहाँ आइटमें बना रखी है। मैंने आइटम देखोगे तो आइटम में मैंने एलियास नेम डाल रखा है कि कोकोनट ऑयल है। देन इसका सेल प्राइस, इसकी MRP और इसका परचेज प्राइस मैंने सब कुछ मैंशन कर रखा है। और साथ साथ देखिए मैंने टैक्स कैटेगरी भी फिलअप कर रखी है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको आता हूँ अकाउंट्स के अंदर, मास्टर के अंदर। देखिए मेरे पास जो आइटमें बनी हुई थी वो आइटमें मैंने यहाँ पर बना रखी हैं, पार्टी हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या है, देखिए आप डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। देखिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट के हिसाब से, एक स्टोर के हिसाब से परफॉर्मर को स्टाइल किया गया। देखिए ऑटोमेटिक आज हमारी 23 तारीख है, तो ऑटोमेटिक 23 तारीख आ गई बिजी के अंदर। मैं यहाँ एंटर मारूंगा तो यहाँ देखिए तारीख आ गई। अब यहाँ पार्टी का नेम, आइटम नेम पूछ रहा है, तो आइटम नेम हमारा जो भी आइटम हमने वो डाल। देखो जैसे ही मैंने आइटम रेट डाला यहाँ पर, उसने उस आइटम का एलियाज नेम, उस आइटम की MRP, उस आइटम की क्वांटिटी, उस आइटम की यूनिट प्राइस, उस आइटम का परचेज प्राइस और साथ साथ यहाँ डिस्काउंट का कॉलम भी इन्होंने हमसे मेंशन कर रखा है। मैंने अगर बोल दिया कि मेरा डिस्काउंट 50 रुपये है, मैंने बोल दिया मेरा डिस्काउंट 3%, देखो ऑटोमेटिक वो डिस्काउंट टोटल आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस प्रिंट को जैसे सेव करूँगा, सबसे पहले मैं बस एक टॉपिक आएगा कि प्रिंट इनवॉइस, तो आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं कि हमने प्रिंट इनवॉइस कर दी, ठीक है। आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर प्रिंट इनवॉइस आपकी साथ साथ हुई। सबसे पहले आपकी आइटम का नेम क्या है, कितनी क्वांटिटी है, क्या उसका MRP था, क्या उसका रेट बचा और क्या आपको अमाउंट उसको पे करना है, ठीक है। साथ साथ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इनवॉइस ही बना हुआ है, एक स्लिप फॉर्मेट जो डिपार्टमेंट स्टोर पर बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद जब आगे आप चलोगे तो उसके अंदर मेरे पास और तरीके के इनवॉइस ही बने हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं अगर इसको आपको दोबारा दिखाऊं तो आप इसमें इनवॉइस के और भी कई तरीके के फॉर्मेट जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको दोबारा खोलते हैं हम बिजी को। तो बेसिकली आप लोग इस तरीके से डिपार्टमेंट स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। देन मैं इस कंपनी को दोबारा ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डिपार्टमेंट स्टोर। मैं यहाँ पर पासवर्ड इसका पुटअप करता हूँ। आ गया उसका, देखिए कंपनी स्टोर ओपन हो गई, कंपनी ओपन हो गई। यहाँ पर मैं आपको इनवॉइस दिखा रहा था, वो इनवॉइस सपोर्ट नहीं कर रहा था। कि इस तरीके से आप इसके अंदर और कर सकते हैं। हमें बहुत से क्लाइंट कहते हैं कि सर हमें अब हमारे बिजनेस स्टार्ट के तरीके से वीडियो मेंटेन की। देखिए यहाँ पर साथ साथ टैक्स भी लग गया। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज करनी हो, देखिए नीचे यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि जो आपका डिस्काउंट है वो परसेंटेज वाइज है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम एक बार में 3 तरीके के डिस्काउंट देते हैं, कि MRP भी देते हैं, उसके बाद 4% डिस्काउंट अलग देते हैं। तो वो लोग भी आप डिस्काउंट को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, आपको आना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मास्टर के अंदर आप आएंगे मिसलेनियस मास्टर, यहाँ पर आप जाके एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर तैयार करिए। जो भी आपको डिस्काउंट स्ट्रक्चर का नाम रखना है वो डालना रख दीजिए। जैसे मैंने अपना ही नाम डाल के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसके पूछते सिंपल डिस्काउंट, मैंने कहा सिंपल डिस्काउंट लेना है, लेकिन सिंपल डिस्काउंट के काम और भी डिस्काउंट ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से आके सिंपल डिस्काउंट की जगह आप बहुत सारे डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिस्काउंट स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे जो बेसिकली डिपार्टमेंट स्टोर में यूज़ होता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसकी इनवॉइस को डिजाइन कराया गया है, फिर किससे इसकी बिलिंग को बनाया गया है, वो सारी चीज़ें आप इसमें समझाऊंगा। आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, हम मास्टर के अंदर थे। हमें यहाँ पर आगे पहले डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाना था। मैंने यहाँ पर बोल दिया कंपाउंड डिस्काउंट इन डिफरेंट नेचर। सबसे पहले फॉर्मेट का नेम, तो मैं अपने नाम ही डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम शाहरुख है तो मैंने यहाँ पर शाहरुख डाल दिया। देन यहाँ पर कंपाउंड डिस्काउंट, उसके बाद जो भी आपको डिस्काउंट डालना है वो, जैसे नंबर ऑफ कितने कॉलम है तो मैंने रखना 4, तो मैंने यहाँ पर 4 तरीके के डिस्काउंट दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर फिलहाल 3 तरीके, पहला डिस्काउंट है परसेंटेज है, मैंने बोला परसेंटेज देनी आइटम के प्राइस। देखिए जो मैं प्राइस दूंगा उसके हिसाब से डिस्काउंट होगा। उसके बाद इसने पूछा क्या चाहिए, मैंने कहा एब्सोल्युटली अमाउंट डिस्काउंट दूंगा पर जो मेरी इच्छा करेगी। एंड देन कह रहा है अल्टरनेट क्वांटिटी या पैकिंग क्वांटिटी, तो मैंने कहा फिर मैं परसेंटेज दूंगा आखिरी में लास्ट प्राइस के ऊपर, और मैंने इसको
यस करके सेव कर दी। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेव करा तो आप लोग देखेंगे कि मैं किसी आइटम को मॉडिफाई करूँ तो उस आइटम के डिस्काउंट के स्ट्रक्चर को ये उठा लेगा। आप यहाँ पर आएंगे कि अगर कौन सी आइटम भी हमने पोलो स्ट्रक्चर ले रखा है तो हम यहाँ पर जो भी हमारे नेम का डिस्काउंट स्ट्रक्चर का वो लेके हम इसको सेव करेंगे। जैसे हमने सेव करा, देखो अब इस क्या बेनिफिट हुआ इसको सेव। बेनिफिट ये हो गया कि अगर हम एक बार में अब कई तरीके के डिस्काउंट बीजी के अंदर दे सकते हैं। जैसे इंटर मारेंगे सबसे पहले आपके देखिए आइटम का रेट आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर आगे डिस्काउंट बोल दीजिए। मैंने बोला 3% देना है तो इंटर मारोगे तो यहाँ पर 3 पे कम हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि 50 रुपये अलग से डिस्काउंट देना। मैं तीन तरीके के डिस्काउंट देता हूँ, आप इस पर प्लस निशान लगाएंगे, शिफ्ट के साथ प्लस आ गया। मैंने बोला 3 रुपये 5 रुपये डिस्काउंट अलग देना और प्लस 2.5% डिस्काउंट अलग देना। जैसे आप यहाँ इंटर मारोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि अलग अलग डिस्काउंट लगे, टोटल कितना डिस्काउंट हो गया 7 रुपये 32 पैसे। तो आप इस तरीके की डिपार्टमेंट वाइज कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको देखिए अलग से एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा। ऐसे इसकी इस तरीके की काफ़ी अच्छी इनवॉइस बन सकती थी इसके अंदर, जो मैं आपको इनवॉइस नहीं दिखा पाया, वरना और ज़्यादा बन सकती थी। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक राउंड ऑफ भी लग के आ गया। टाइमिंग कितने बजे प्रिंट आउट कटा, स्लिप नंबर क्या है, से कंपनी का नेम क्या है, वेट टाइप क्या है, एवरीथिंग इज कवर इन हेयर। एंड देन स्टार्ट करते कि कॉन्फ़िगरेशन हुई क्या। सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए, फाउचर कॉन्फ़िगरेशन किया। इसको हम POS कॉन्फ़िगरेशन, हमने यहाँ पर जाके इस टॉपिक को अनेबल कर दिया। सिंपल सा ये है, अनेबल एडवांस POS डाटा एंट्री। और अब मैंने यहाँ पर जाके इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। जैसे मैंने कॉन्फ़िगर करा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पर जाके इस वीडियो को ऑलरेडी वॉच कर सकते। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर वाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।